तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे इंग्लिश का यहाँ पे जो सब्जेक्टिव आंसर के लिए हाजिर हो चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं क्लास नौवां का, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन 2023 जो आपका हो रहा है, ठीक है। आप लोग को मालूम है पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ रहा है कि नहीं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा का पूरा आंसर के आपको बताने वाला सब्जेक्टिव, देख लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेक्शन ए जो आप लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाला, इसका मैंने बना दिया वीडियो, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव वाला जितना वीडियो है मैंने बना दिया है, इसका 1 से लेकर 100 तक प्यारे बच्चों, जितना ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं पूरा मैंने 1 से लेकर 100 तक सभी का क्वेश्चन बना दिया है। नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जाके आप लोग सारे बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलिए खंड ब की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है कि खंड ब का रीड द फॉलोइंग पैसेज जो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यहाँ पैसेज दिए हुए प्यारे बच्चों, ठीक है, जैसे हिंदी में इसको गद्यांश बोलते हैं, और उसका जो है आंसर आपको जवाब देना है। यानी इसी में सभी क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर देंगे, और जो बच्चे हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में वो बच्चे जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है प्यारे बच्चों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फटाफट से जुड़ जाइएगा। और जिससे पहले और वीडियो सोशल साइंस साइंस मैथ वगैरह किसी का नहीं देखे, तो सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट जो है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सभी जाके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी का सभी प्यारे बच्चों, ठीक है, जो आपको एग्जाम में आना है, ठीक है, याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा, यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूरा पैसेज है, और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है वेयर डज माई फैमिली लिव, यानी कि मेरी फैमिली कहाँ रहती है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए वेयर डू वी गो समर, देखिए हम लोग कहाँ जाते हैं हर एक ऋतु में, ठीक है, हाउ लॉन्ग डू वी स्टे, और हम लोग वहाँ कितने दिन रहते हैं ना। तो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा यहाँ पे है क्वेश्चन दिएगा व्हाट डज मीटर लाइक टू डू, यानी कि मीरा क्या चीज़ करना पसंद करती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन का, देख लीजिए पहले क्वेश्चन पूरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एक का हो गया प्यारे बच्चों, और वाला का मैंने नहीं बताया, आपको सिर्फ एक ही जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, देख लीजिए इसमें भी क्या है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट द फॉलो, है ना। तो यहाँ पे इसका देख लीजिए क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सभी का आंसर मैं अभी बताता हूँ। एक है वेयर इज द पेंटेड डिजर्ट डिजर्ट लोकेटेड, सेकेंड है वाई इज इट कॉल्ड पेंटेड, थर्ड है हाउ मेनी एक्रोस ऑफ लैंड डज इट कवर, चौथा है व्हाट हैपन टू सम ऑफ द ट्रीज हर, है ना। तो यहाँ पे चारों का चलिए दोनों पैसेज का मैं आंसर आपको बताता हूँ, उसके बाद सभी क्वेश्चन और भी हम देख लेते हैं और आंसर सबको बारी बारी से बताता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव का मैं यहाँ पे आंसर लेके हाजिर हो चुका, प्यारे बच्चों देख लीजिए यहाँ पे सेक्शन बी का है पहला क्वेश्चन, देख लीजिए उसका आंसर है माय फैमिली लिव्स इन द सिटी, है ना। पूरा यहाँ पे ऑलरेडी आपको बारीकी से यहाँ पे आंसर दे दिया गया प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इच समर आई गो टू माई अंकल्स फार्म विथ माई फैमिली विल यू देयर फॉर 3 वीक्स, है ना। वहाँ पे वो जो लोग हैं कितने दिन रहते हैं, 3, मतलब जो रहते हैं वो लोग 3 हफ्ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए एक का यहाँ पे तीसरा प्यारे बच्चों कि मीका मीटा लाइक गो टू आउट बाय द लेक टू फीड द डक्स एंड वॉच देम स्विम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम देख लीजिए प्यारे बच्चों, 1 का यहाँ पे चौथा का आंसर है माय फेवरेट थिंग व्हेन विजिटिंग अंकल राम हैपन एट नाइट, है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द पेंटेड डिजर्ट लोकेटेड इन एरिजोना, है ना। दूसरा नंबर का 2 है कवर्स 93,500 acres एंड स्ट्रेंज अवर 160 miles। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ देख लेते हैं, जो तीसरा है इट इज़ कॉल्ड पेंटेड बिकॉज इट हैज़ कलर रॉक्स दैट लुक लाइक दे वे पेंटेड। चलिए चौदह का चौथा देख लेते बच्चों है दिस कलरफुल डिजर्ट हैज़ क्लिफ्स एंड हिल्स इट ऑल्सो हैज़ ट्रीज दैट टर्न टू स्टोन लॉन्ग एगो, है ना। तो यहाँ पे दोनों पैसेज का पेरे बच्चों हो गया ना, इतना नंबर का तो चुका 16, 18, 20 नंबर का था आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव मैंने तो ऑलरेडी पढ़ा दिया। नहीं देखा तो सभी का लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सोल्यूशन के साथ पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मजा आता है, ठीक है, ओके। और इसका पूरा PDF भी मैं आपको देने वाला हूँ सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का, कैसे आपको डाउनलोड करना है तो वो भी मैं बता दूं कैसे आपको डाउनलोड करना है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं चौथा नंबर, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पर मुझे देख लीजिए, तीसरा नंबर रीड द स्टैंजा, यहाँ इसको हमने छोड़ दिया। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। पहला है वर्ड गिफ्ट रीड डेला गिव टू जिम, देख लीजिए हु रीव द पुंगी। तीसरा है व्हाट हैपेंड टू नर्सिसस व्हेन ही वेंट टू द पूल टू क्वेंच हिज थर्स्ट, जी है व्हाट इज मैन मेड पोल्यूशन, चौथी है व्हाई डज द पोएट वीप टू सी फेयर डैफोडिल्स, यहाँ पे फिर डज गॉड एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मैन, हाउ, यहाँ पे देख लीजिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। इसमें से कितना जवाब देना है बच्चों, इसमें से आपको सिर्फ 5, 10 में से सिर्फ आपको 5 ही जवाब देना है, वो क्वेश्चन का जवाब देना जो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं वो क्वेश्चन का जवाब देता हूँ जो हमें याद है, और आपको भी जवाब देना है बच्चों, ठीक है। चलिए फटाफट से हम इसको देख लेते हैं, ओके।
चलिए तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि नहीं। देख लीजिए बच्चों यहाँ पे फटाफट से हाजिर हो जाइए। देख लीजिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन का एक देख लीजिए, चौथा नंबर का पहला आंसर है बच्चों ये वाला, आप लोग देख लीजिए डेल्ला थॉट पल्चेनियम फोक चैन यहाँ पे देख लीजिए, और चौथा चार का भी है व्हेन औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी इन रॉयल रेसिडेंस ए बबन हु बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन रिव्यू बाई इट बाई थिंकिंग ए वाज एन लॉन्ग हॉल स्ट्रेन एंड मेकिंग सेवन हॉल इट हॉल्स इन इट, है ना। तो यहाँ पे चौथा का बी का भी प्यार बच्चों आंसर है कि नहीं। चलिए यहाँ पे चौथा का यहाँ पे डी का आंसर है ह्यूमन मेड, इट इज द पोल्यूशन कॉज बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, इट इंक्लूड्स ब्यूरिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंडस्ट्रीज व्हीकल्स एंड थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट्स गैसेज एमिशंस फ्रॉम मैसन फ्रॉम इंडस्ट्रीज माइनिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोन क्रशिंग, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा आपको लिख लेना, मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी बच्चों। चौथा का देख लीजिए आंसर ये है, चौथा का ये है, और पाँचवा का चल पर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ छठा नंबर क्वेश्चन पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे आइए। पाँचवा पहले है के राइट ए पैराग्राफ फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 16 and 70 वर्ड, यानी कि जो पैराग्राफ दिए हुए यहाँ पे कोई विलेज मार्केट है एंड आइडियल फैमिली है, द यूज ऑफ ट्रीज है, इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 है, ऑन एजुकेशन है, टेररिज्म है, तो जिस पे आप लिखना चाहते हैं आसानी से लिख सकते हैं। 60 से 70 वर्ड ज़्यादा है नहीं है कि नहीं, आपको लेटर से वर्ड बनता है कि नहीं, जैसे वन एक वर्ड हो गया, ऑफ एक वर्ड ये अलग हो गया, फॉलोइंग टॉपिक ये सब क्या एक वर्ड ही तो है कि नहीं। तो सभी का हम लोग बारीकी से पैर बच्चे पढ़ने वाले, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका आंसर क्या दिया पहले देख लेते हैं, पांच नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, और यहाँ पे 6, 7, 8, 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सभी देखिए राइट फादर राइट वाला है। हमने 11 का आंसर बताया राइट स्पीच ऑन क्लीन लाइनेस, है ना। अगला है छठा राइट रिलेटेड टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू रीड न्यूज पेपर रेगुलरली, राइट एन एप्लीकेशन टू योर मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेट ग्रांट यू लीव फॉर वन वीक एज यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, है ना। यहाँ पे सब पूरा का क्वेश्चन हम आंसर दे रखे हैं, चलिए बताता हूँ। और कैसे इसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करना है वो तो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा ही, चलिए पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग फटाफट से हाजिर हो जाए, देख लीजिए पांच नंबर का एक आंसर है ये विलेज मार्केट के ऊपर है प्यारे बच्चों, विलेज मार्केट के ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है कि नहीं, विलेज मार्केट के ऊपर पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग बारीकी से देख लीजिए क्वेश्चन को और पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पाँच नंबर छः का आप देख लीजिए, छः नंबर क्वेश्चन का एक प्यारे बच्चों डेली न्यूज पेपर रीडिंग थॉट एंड क्लियर कंसेप्ट यहाँ पूरा का पूरा दिया हुआ प्यारे बच्चों। और अगला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन ग्यारह नंबर का एक है ना, ग्यारह का बच्चों एक यहाँ देख लीजिए क्लीनलीनेस विल हेल्प यू ए टेकिंग गुड, है ना। यहाँ पूरा का पूरा दिया हुआ प्रोसेस थोड़ा इसमें करवा जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग गुड केयर ऑफ योर ओन हेल्थ वाइल ऑल्सो कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन, व्हेन द एनवायरमेंट इज क्लीन वी लीड, मैं पढ़ूंगा तो लंबा समय लग जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए तो इस तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चन पहले बच्चों कर लिया, ठीक है। अब सभी का आंसर आप आंसर के साथ प्लस PDF के साथ कहाँ आपको डाउनलोड करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों कैसे डाउनलोड करना है आपको। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अपने वाले गूगल क्रोम को इस तरीके से ओपन करना है आपको भी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे सर्च करने वाला ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना और लिखना है POINT.SPACE.OF.STUDY.STUDY.STM, देखिए इस तरीके से लिख देना, जैसे मैंने लिखा उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ स्टडी, देख लीजिए प्यारे बच्चों आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा अगला इंटरफेस इस तरीके से आपको खुल के सामने आ जाएगा प्यारे बच्चों, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ओके तो नीचे क्यों स्क्रॉल डाउन इस तरीके से करके जाना है, आइए नीचे, ठीक है। और यहाँ पे क्लास 9th का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, क्लास 9th के फाइनल एग्जाम का समय विषय का, बस इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा अगला पेज इस तरीके से आपके सामने खुल के जाएगा प्यारे बच्चों, आपको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है इस तरीके से, ठीक है। और नीचे की ओर आना है, ठीक है, इस तरीके से रूटीन वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा। 9वीं की परीक्षा प्रश्न पत्र कहाँ से आता है सभी का दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए 9th और फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक है बच्चों, पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ, तो इजीली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, हिंदी संस्कृत किसी भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहते तो क्लिक कीजिए डाउनलोड, उसको जाइएगा तो वहाँ डाउनलोड हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे हमारा कौन सा पेपर बच्चों, हमारा यहाँ पे ये है इंग्लिश का, तो इंग्लिश वाला कहाँ पर बच्चों, इंग्लिश ये वाला हुआ है ना, इंग्लिश के सामने जो क्लिक है वाला ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने अगला पेज इस तरीके से खुल के जाएगा, हमको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना पहले बच्चों इस तरीके से, ठीक है। अब नीचे आना, देखिए यहाँ पे यहाँ इंग्लिश का जो है पूरा आंसर के ऑलरेडी पहले बच्चों यहाँ प्रोवाइड करा दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आंसर यहाँ पे उसी में आंसर दिया, एक का भी दो का डी दे दिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे लोग देख लीजिए, ठीक है, पूरा आंसर के प्रोवाइड करा दिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड वाला है, यहाँ पे ऑप्शन क्लिक पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऊपर है इंग्लिश सब्जेक्ट PDF, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे
हाँ तो पहले बच्चों यहाँ पे आना है और यहाँ पे इंग्लिश वाला सब्जेक्टिव पहले भी एक डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा अगला पेज आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है पहले बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है, हम नीचे आना है, नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करना है ना, डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर के PDF। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव डाउनलोड वाला ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आएगी पहले बच्चों, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और टेलीग्राम में जुड़ना भूलिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लाइक सब्सक्राइब करिएगा वीडियो देखने के लिए।